हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके सामने नए कंसेप्ट, नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ, बिजनेस स्टडी प्लस टू बिजनेस स्टडी का पार्ट फोर्थ और वही यूनिट सेकंड और चैप्टर सेकंड, तो जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है। अभी जो और प्रिंसिपल्स भी पढ़े थे हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के, लेकिन अब मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, हमारे पास जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, नो टेक्निक्स है। टोटल कितनी टेक्निक्स है? नो टेक्निक्स है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे वो थे चार। कौन कौन से थे मैं रिवाइज करा देता हूँ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड क्या था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहली टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की। टोटल 9 टेक्निक्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए, ये भी बच्चों केस स्टडीज के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊँ उस पर फोकस ज़्यादा अच्छे से किया करो, ठीक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है? देखो, इट इज बेस्ड ऑन, टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो टोटली किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स। अब आप कहेंगे सर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? भाई प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं रूल्स, रेगुलेशन, सिद्धांत, ठीक है। तो कुछ सिद्धांतों पर ये आधारित है, और इन आ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल पार्ट्स। इसके अंदर का क्या कर दिया जाता है, वर्करों का जो काम है ना, काम उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड ईच पार्ट इज असाइन टू एन एक्सपर्ट। और हर एक पार्ट को किसको असाइन, मतलब होता है सौंपना, हर एक काम उसी व्यक्ति को सौंपा जाता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप में? फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब ही क्या होता है कि ये सारे के सारा प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और दूसरी बात, इसमें जो वर्करों का काम है जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक वर्कर को उसी का काम सौंपा जाता है जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है। ये नहीं है कि आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब कोई भी काम किसी वर्कर को सौंप दिया जाए, नहीं। एक वर्कर को उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा जो वो कर सकता है, जो उसमें एक्सपर्ट है करने में, तो ठीक है ना, कह रहे ना। एंड ईच पार्ट इज असाइंड टू एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को सौंप दिया जाता है। अभी हम एक चीज और पढ़ेंगे यहां पर, हमारे जैसे फैक्ट्री का एक मैनेजर होता है, ठीक है, उसमें दो ऑफिसर्स काम करते हैं। एक तो होता है भाई प्लानिंग ऑफिसर और एक होता है प्रोडक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो प्लानिंग ऑफिसर के बारे में पहले मैं डिस्कस करता हूं आपसे कि जो प्लानिंग ऑफिसर कौन होता है, जिसका काम ही क्या होता है बिजनेस के अंदर प्लानिंग करने का। और प्लानिंग कब के लिए की जाती है? फॉर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग ऑफिसर का काम होता है क्या होता है भाई, बिजनेस के अंदर नई नई टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए कुछ प्लानिंग्स करना, कुछ आइडियाज क्रिएट करना, ठीक है। तो उसका काम क्या क्या होता है, प्लानिंग ऑफिसर का काम क्या होता है? सबसे पहला, एक ऐसा क्लर्क होता है, एक रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन होते हैं? रूट क्लर्क वो क्लर्क होता है जिसका काम क्या होता है, अपने वर्करों को, ये देखो वर्कर्स, वर्कर को क्या करने को होता है, रूटीन वर्क बताना होता है कि डे टू डे बेसिस पर जो रूटीन में जो जिनको काम करना है वो काम क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, किस टाइम पे करना है। तो रूटीन वर्क, रूट क्लर्क का काम क्या होता है, अपने वर्करों को रूटीन वर्क बताने का काम होता है कि रूटीन में आपको डे टू डे बेसिस पर करना क्या है, कितना करना है, किस मशीनरीज पर काम करना है, कितनी मशीनरीज आपको ऑपरेट करनी है, ठीक है। तो रूटीन मतलब हर दिन का काम बताएगा कि आज आपको करना क्या है। तो रूट क्लर्क का मतलब क्या है, रूटीन का काम, एक ऐसा क्लर्क जो अपने वर्करों को डेली रूटीन का काम बताता है। सेकंड आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्लर्क वो होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एक कार्ड होता है जो एक उसके पास होता है, हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इस क्लर्क का काम क्या होता है कि हर एक वर्कर को एक कार्ड दिया जाता है, उसमें उसका काम लिखा जाता है कि आज आपको कितना काम करना है, कितना मटेरियल आपको दिया जाएगा, कितनी यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है। वो इंस्ट्रक्शन सारी उस कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उस वर्कर के बारे में, उस वर्कर को कितना काम करना है आज पूरे दिन में।
टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क, ये इसका काम क्या होता है, क्लर्क का, इसका इस क्लर्क का काम होता है, ये टाइम बताता है कि आपको कितने टाइम में कितनी कोस्ट पे आपको काम करना है। भाई आज आपको टाइम दिया गया 8 घंटे, तो 8 घंटे के अंदर आपको ये काम करना है। तो टाइम एंड कोस्ट क्लर्क में क्या होता है कि ये क्लर्क क्या बताता है, वर्कर को उसका टाइम बताता है कि भाई आपको आज इतने टाइम में, ये आपके पास स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे का, आपको इसके अंदर आपको काम करना है, और इसकी कोस्ट बढ़नी नहीं चाहिए। इतनी कोस्ट, कम से कम आप जो भी मेटल यूज कर रहे हो, जो भी मशीनरी यूज कर रहे हो, उसकी मिनिमम कोस्ट इतनी आनी चाहिए, खर्चा इतना होना चाहिए और इतने टाइम पर ये हो जाना चाहिए। और डिसिप्लिन ऑफिसर का काम क्या होता है, अपने वर्करों से डिसिप्लिन बनवाए रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करवाए रखने का काम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क और डिसिप्लिन ऑफिसर। ये प्लानिंग ऑफिसर का, जो प्लानिंग ऑफिसर होता है, मैं उसके बारे में बता चुका हूँ कौन होते हैं, जिनका काम बिजनेस के अंदर नई नई प्लानिंग्स करने का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर पता है ना आपको कौन होता है, प्रोडक्शन ऑफिसर कौन होता है, जिसका काम गुड्स को प्रोड्यूस करने का होता है, ठीक है, जिसका काम प्रोडक्शन करने का होता है, माल को मैन्युफैक्चर करने का होता है। एक आता है, इसके अंदर आता है गैंग बॉस। देखो गैंग बॉस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहां पर इसके अंदर काफी सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। मैं यहां बता देता हूं, एक जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसके अंदर काफी सारे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काफी सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये गैंग हो गई। इन गैंग का एक बॉस होता है, ठीक है, जो उनको उनके काम के बारे में बताता है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से मशीनरीज को ऑपरेट करना है, अगर मशीनरीज अगर कोई किस तरीके से अगर कुछ नहीं चल पा रहे तो आपको किस तरीके से उसको यूज करना है, मटेरियल को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो हर एक वर्कर का एक बॉस होता है जिसे कहा जाता है, हर एक गैंग का एक बॉस होता है जिसे बताया जाता है गैंग बॉस, जो अपने वर्करों को गाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीड बॉस। इस बॉस का काम क्या होता है कि काम को कितनी स्पीड से करना है, कितनी स्पीड से नहीं करना है, किस स्पीड से मशीन इसको ऑपरेट किया जाए, कितनी स्पीड से भाई एक वर्कर को अपनी एफिशिएंसी जज मतलब एफिशिएंसी को यूटिलाइज करना है, तो स्पीड बॉस का काम है जो एक काम करने की स्पीड को बताता है। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, कई बार क्या होता है मशीनरी काम करते करते मशीनरी बंद हो जाती है, ठीक है, मशीनरी खराब हो जाती है, मशीनरी का जो भी है मतलब एक्सपायर्ड जो भी फ्यूल है वो खत्म हो जाता है कुछ भी, तो मशीनरी कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसका काम क्या है, रिपेयर करने का, जिसे नाम दिया जाता है रिपेयर बॉस। एंड लास्ट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वो नहीं है जो कैप लगा के घूमते हैं, ये ऐसा चोर, ये ऐसे कुछ इंस्पेक्टर नहीं होते। इंस्पेक्टर वो होते हैं, बिजनेस के अंदर की बात हो रही है, अब बिजनेस के अंदर क्या, दो जी इंस्पेक्टर तो होते हैं जो वो जो कैप लगा के घूमते हैं और डंडा लेके घूमते हैं और गन लगा के घूमते हैं, नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस इंस्पेक्टर का मतलब वो इंस्पेक्टर है जिसका काम क्या होता है, जो बिजनेस के अंदर जो भी जिस चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो जब गुड्स बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी क्वालिटी को चेक करने का होता है, इंस्पेक्शन करने का होता है कि भाई जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है वो घटिया क्वालिटी का तो नहीं बनाया गया ना, तो उसकी जाँच पड़ताल करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, इंस्पेक्ट करता है, जाँचता है कि जो क्वालिटी बनाई गई है वो ठीक भी है या नहीं है। तो ये हमारे पास पूरा एक डायग्राम था फंक्शनल फोरमैनशिप का, ठीक है। अब सेकंड आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। देखो F.W. टेलर ने जो सेकंड टेक्निक्स बताई है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, क्या कहता है कि आप एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय को अगर कोई भी काम देते हो तो उसको उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देना चाहिए काम, ठीक है। उसको ये नहीं कि भाई आप है ना भाई उसकी कैपेसिटी है मान लीजिए 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के, और लेकिन आप उसको दे रहे हैं करीब 200 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके स्टैंडर्ड से तो ज़्यादा हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं है काम करने की। अब कैपेसिटी नहीं है तो भाई वो काम को कर नहीं पाएगा, अगर आप ज़बरदस्ती कराओगे तो उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कह रहा है उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, उसके उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने के लिए आप क्या करोगे, उसको उसके स्टैंडर्ड का काम दीजिए, ठीक है। जितना आप उसके स्टैंडर्ड का काम दोगे यानी कि उसके लेवल का उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो वो काम को कर भी देगा इजी से इजली, और उसके काम करने की एफिशिएंसी भी बनी रहेगी। अगर आप उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम दे दोगे तो क्या होगा, वो तो बेचारा वैसे ही बीमार हो जाएगा, वो कंपनी को छोड़ देगा, बिजनेस को छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बिजनेस है भाई, बिजनेस का काम तो क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का। तो F.W. टेलर कहता है कि सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस गुड्स, वो गुड्स का जो उस गुड्स का कलर है, वेट है, डिज़ाइन है, मतलब जो साइज है,
ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं, वो सिंपल होना चाहिए ताकि इजीली वो बोला जा सके, समझा जा सके, ठीक है। ये नहीं है, अब जैसे मान लीजिए कोई वेट या कोई भी साइज़ है, मान लीजिए मैं कहता हूँ साइज़ अगर ऐसे होने लगी भाई किसी शर्ट का साइज़, भाई नॉर्मली क्या होता है, ऐसा होता है 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, ये तो क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, जो समझने में भी आसानी होती है और बोलने में भी आसानी आसानी होती है। अगर किसी शर्ट का साइज़ अगर ऐसे हो जाए 42.1.5 ऐसा कुछ हो, 42.05 ठीक है, 43.175 ऐसे होगा, तो फिर भाई ये तो सिंप्लीफिकेशन है, हमें जज करने में, मेजरमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, हमें समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कह रहे हैं कोई भी अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस मतलब उसका साइज, कलर, वेट, डिजाइन सिंपल होना चाहिए ताकि इजीली उसको समझा जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए 0.75, 0.3, 2.5 ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। भाई अगर कोई शर्ट है उसका साइज सिंपल होना चाहिए 12, 13, 14, 15 ऐसा नहीं होना चाहिए 15.175, 15/1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई साइज नहीं होता। तो कह रहे जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सिंपल होना चाहिए ताकि इजीली उसको समझा जा सके। तो अभी हमारे पास जो फोर्थ जो टेक्निक्स आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो आती है मोशन स्टडी। देखो हमने तीन पढ़ ली अभी तक, कौन कौन सी, पहले क्या था फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, थर्ड पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन, अब फोर्थ आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहते हैं भाई, इसने F.W. टेलर ने क्या कहा है कि मोशन स्टडी में क्या कहा है कि हमारे बिजनेस में जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज होती है उनको रिमूव करो और नेसेसरी एक्टिविटी को फॉलो करो। यानी कि जो एक्टिविटी, जो भी हम बिजनेस में अननेसेसरी एक्टिविटी है जिन पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है बेखामखा बेफालतू में, तो उसको हटा दो भाई, यानी कि फोकस करो नेसेसरी एक्टिविटी पर जिसकी ज़रूरत है, जिससे बिजनेस प्रमोट हो सकता है, डेवलप हो सकता है, ठीक है। और जो अननेसेसरी एक्टिविटी है जिससे पैसा वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है, उसको वहां से अननेसेसरी एक्टिविटी पर फोकस ना करके नेसेसरी एक्टिविटी पर फोकस करना, दैट इज कॉल्ड एज मोशन स्टडी। मेथड स्टडी कहते हैं भाई, F.W. टेलर ने कहा है मेथड स्टडी क्या होती है, आप इसमें इस चीज की स्टडी की जाती है कि भाई कोई भी अगर किसी काम करने का कोई भी एक बेस्ट मेथड होना चाहिए, वन बेस्ट वे किसी भी काम को करने का एक सही मेथड को आप अपनाओगे तो बिजनेस में आप अपने वर्करों की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, एक इम्प्रूव कर सकते हो और बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हो। क्योंकि देखो हमारे पास किसी काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और हर मेथड्स को करने का एक बेस्ट अल्टरनेट होता है, हमारे पास काफ़ी अल्टरनेट होते हैं, उसमें एक बेस्ट मेथड को हमें चुनना होता है। तो कह रहे हैं आप किसी भी काम को करने के लिए एक वन बेस्ट वे देखो, ठीक है, वो क्या कहलाता है मेथड स्टडी। आप स्टडी कीजिए कि कौन सा मेथड बेस्ट है, फिर उसको आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। इस टाइम स्टडी में पता है किस चीज की स्टडी की जाती है, स्टैंडर्ड टाइम की, कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि अगर मतलब स्टैंडर्ड टाइम एक पर्सन को उसका स्टैंडर्ड टाइम दे देना चाहिए भाई कि आप कितने टाइम में ये यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे पता है कि ये व्यक्ति 8 घंटे में 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाएगा, ये स्टैंडर्ड टाइम है। अगर मैं उसको 8 घंटे में अगर 200 यूनिट दे दूंगा तो नहीं कर पाएगा, ये तो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम चाहिए इसमें। तो कह रहा है टाइम स्टडी में यही स्टडी की जाती है कि भाई ये काम कितने टाइम में हो सकता है, एक स्टैंडर्ड टाइम को जजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी पता है क्या होता है, फटीग स्टडी इसमें पता है किस चीज़ की स्टडी की जाती है कि इसमें एक आ जाता है कि वर्कर को बीच बीच में इंटरवल टाइम देते रहना चाहिए। इंटरवल मींस एक फ्री टाइम देते रहना चाहिए, ये नहीं है कॉन्टिन्यूसली उसको तो काम पे लगाए रखे भाई 8 घंटे की ड्यूटी तो 8 घंटे कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे वो काम करता रहे, कहते हैं नहीं। अगर आप ऐसे वर्करों को कंटिन्यूसली अगर 8 घंटे तक काम करवाते रहोगे तो उसके काम करने की एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा, वो और दूसरा काम कर ही नहीं पाएगा। कह रहे फटीग स्टडी क्या होता है कि भाई एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को बीच बीच में इंटरवल टाइम देते रहना चाहिए ताकि उसकी काम करने की एफिशिएंसी बनती रहे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करके किसी काम को करेगा वो तो वो काम करने की क्षमता उसकी बढ़ती रहेगी। कॉन्टिन्यूसली काम करेगा तो उसकी काम करने की कैपेसिटी सारी क्षमता खत्म हो जाएगी। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, इसमें दो तरह के वर्कर्स को काउंट किया जाता है, एक तो होता है एफिशिएंट वर्कर और एक होता है इनएफिशिएंट वर्कर।
एफिशिएंट वर्कर और एक इनएफिशिएंट वर्कर। यहां पर कह रहा है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा है कि भाई यहां पर है ना एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को उनके हिसाब से हम उनकी जो वेजेस पे करते हैं। अब वेजेस पे करते हैं भाई, जो वर्कर अपना अपने काम में जितना एफिशिएंट होगा, जितना काम अच्छे से करेगा, जितना टाइम में करेगा, कम कॉस्ट पे करेगा, तो उसको उसके हिसाब से हम वेजेस देते हैं। और इनएफिशिएंट जो अपने काम में जितना इनएफिशिएंट होगा, काम भी ढंग से नहीं करेगा, मटेरियल को भी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, टाइम भी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से वेजेस पे की जाए। ऐसा एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम को आप अपनाइए, जो जितना एफिशिएंट है, जो जितना अच्छा काम करता है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस दीजिए, मतलब सैलरी दीजिए, और जो जितना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी दीजिए। एंड लास्ट आता है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है कि ये एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के माइंड को सेट करता है कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के साथ किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, ताकि और एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के साथ और एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेशन बना के रखना चाहिए। दोनों के माइंड को सेट करता है ये, दोनों के बीच के बिहेवियर को सेट करता है ये, कि आपस में इन दोनों को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाए रखना चाहिए ताकि बिजनेस इजिली डेवलप हो सके। तो हमारे पास ये टोटल 9 टेक्निक्स थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। तो ये चैप्टर जो सेकंड यूनिट है वो बच्चों यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था, फेयोल ने क्या कहा था, और ये सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अलविदा। और प्लीज़ इस जो वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।